आगामी 2 अक्टूबर से जिले के हर एक पंचायत में जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक एक योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके तहत बेगूसराय के लोगों को जागरूक करने के लिए आज जल जीवन हरियाली रथ को रवाना किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समन्वय के मुख्य द्वार के समीप हरी झंडी दिखाकर दो रथ को रवाना किया। प्रत्येक रथ 9 प्रखंडों में एक एक दिन जाकर प्रचार प्रसार अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेगी। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रथ प्रत्येक दिन एक एक प्रखंड का भ्रमण करेगी और साथ ही साथ स्थानीय वीडियो एवं पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले जगह चयन करें, जहां पर रथ लोगों को टीवी एवं वाद्य यंत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि ऐसे जागरूकता चलाने से लोग निश्चित रूप से जल को बचाने एवं हरियाली को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। बेगूसराय से पिंकल कुमार, टीम डीएनसीटी लाइव, बेगूसराय। अक्टूबर से हम लोग को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हर पंचायत में एक एक योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाना, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री का उद्घाटन भी किया जाएगा। उसी के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि जल बचाएं, जल ही जीवन है, ऊर्जा की बचत करें, तो जागरूकता फैलाने के लिए पूरे जिला में 2 प्रचार वाहन ये चलाया गया है। अभी इसका हरी झंडी इसको दिखाई गई है और दोनों वाहन को, प्रत्येक वाहन को 9 प्रखंड अलॉट किए गए हैं और ये प्रखंड एक दिन में, प्रत्येक प्रखंड में एक दिन एक वाहन रहेगा और हर पंचायत के जो एक एक जगह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों का आदेश दिया जा रहा है, एक एक जगह चिन्हित कर लेंगे जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा इलाके होते हैं और पंचायत सचिव और PRS के माध्यम से लोग उस जगह पे लोगों को बता भी देंगे कि यहाँ पे इतने बजे ये वाहन रहेगा और ताकि थोड़ी भीड़ रहे और उस जगह पे वो 20 मिनट के करीब वो वाहन वहाँ पे रुकेगा और इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 20 मिनट का वीडियो क्लिप भी है जो वाहन में लाउडस्पीकर के माध्यम से प्ले किया जाएगा ताकि लोग इसको सुन सकें और इससे प्रेरित हो सकें कि जल की बचत करनी है। साथ ही जो प्रचार वाहन है उस पर होर्डिंग भी, बैनर भी लगाया गया है, उसको भी लोग पढ़ के जागरूक होंगे। इसमें उद्देश्य है कि प्रत्येक पंचायत में हर वाहन 20-20 मिनट प्रमुख जगह पर रुकेगा और लगभग 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का शेड्यूल निर्धारित है और 22 तारीख तक हम लोग हर पंचायत के दोनों वाहनों के माध्यम से, इसीलिए इसका भी प्रारंभ किया गया। थैंक यू।